स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस चैप्टर के अंदर हमें कंप्लीट वे से क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। देखो, जैसे हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है दैट कोई भी एक कंडक्टर है, ओके, इट मीन्स जैसे हमने उसके अंदर देखा था ना, लास्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट वाले के अंदर, उसमें हमने क्या पढ़ा था दैट आप ये मान लो कि हमारे पास फैन ही है, ठीक है, फ़ैन है हमारा, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है जो पास हो रही है, बट क्या हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा तो थोड़ी देर के बाद क्या है, वो गर्म हो जाएगा, ओके। इसी इफेक्ट को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, क्या बोला था इसी को हमने, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। ये हमने लास्ट वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ लिया था, बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे दैट इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा था दैट इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट कोई भी कंडक्टर है आपका वो गर्म हो जाता है थोड़े टाइम के बाद ही, बट इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है मेनली दैट हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक अफेक्ट कैसा होता है आपका, जो कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। अब देखो ये किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 13.1, इन दिस एक्टिविटी वी विल डिस्कस दैट हेयर इज द इलेक्ट्रिक सर्किट, इन दिस सर्किट दिस इज द बैटरी एंड दिस इज आई डिनोट फॉर करंट एंड दिस के इज की एंड दिस आर इज रेजिस्टेंट, ओके, एंड दिस एक्स वाई दिस इज द वायर विच एक्ट्स लाइक अ कंडक्टर, ओके, दिस वन लाइक एक्ट अ कंडक्टर, ओके। सो आपका जो ये कंडक्टर होगा, हम इसके अंदर क्या देखेंगे आपका कि जो इसके अंदर, ओके, सो यहाँ पर जो आपका ये एक्स वाई है, इट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, ओके। जैसे ही हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ओके, यहाँ से हमने क्या है, की को ऑन किया, स्विच ऑन किया हमने, और इस बैटरी की हेल्प से क्या है, इसमें से करंट है जो इस वायर के थ्रू पास होने लग गया, ओके। यहाँ पर ये हमारे पास एक्स वाई जो कि हमें ये बताएगा दैट जो करंट है वो पास हो भी रहा है या फिर नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे दैट साइड में हमने जो आपका ये येलो येलो सर्कल रख रखा है, इसको हमने क्या नाम दिया है, मैग्नेटिक कंपास, ओके, क्या नाम दिया हमने इसको, मैग्नेटिक कंपास। ये मैग्नेटिक कंपास आपका एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है दैट इट विल शो डिफ्लेक्शन, ओके। ये आपका क्या शो करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन मीन्स यहाँ पर ये आपका कोई भी चेंज शो करेगा, ओके, क्या शो करेगा आपका कोई भी चेंज शो करेगा, ओके। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर कोई भी चेंज शो हो जाएगा, चेंज शो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर सपोज करो कि आपका ना मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरीके का होता है दैट जैसे बाइक होती है ना, तो बाइक में उसमें आपका शो करता है दैट कितनी स्पीड है, सेम वैसे यहाँ पर भी आपकी एक नीडल लगी होती है, बट वो नीडल क्या होती है आपकी यहाँ पर इस तरीके से आपकी डायरेक्शन होती है, ओके, सो आपकी डायरेक्शन किस तरीके से होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके। सो यहाँ पर जो आपकी नीडल लगी होती है बीच में, वो नीडल क्या करती है, सपोज करो वो नीडल यहाँ पर है, ओके, तो नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा, यानी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, पोजीशन को चेंज कैसे करेगी, या तो वो नॉर्थ की साइड जा सकती है या फिर वो यहाँ पर साउथ की साइड डायरेक्ट करेगी अपने आप को, ठीक है, यानी कि या तो वो नॉर्थ में शो करेगी या फिर साउथ में। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात तो देखो पता ही है कि भाई जो हमारे पास मैग्नेट होती है वो हमेशा क्या करती है, नॉर्थ और साउथ पोल को ही शो करती है, ओके, सेम वे से हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो भी हमेशा क्या करता है, नॉर्थ और साउथ पोल को ही डायरेक्ट करता है, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या देखा दैट जब इसमें से, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर ये सर्किट लगी हुई है, इस सर्किट में से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो यहाँ पर इस कंडक्टर के पास जो हमने ये वायर लगा रखा था एक्स वाई वायर, इसमें क्या हुआ कि भाई जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही जो हमने यहाँ पर कंपास रख रखा था उसने अपनी नीडल को क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, यानी कि उसकी जो पोजीशन थी ओरिजिनल पोजीशन वहाँ से डिफ्लेक्ट हुई वो पोजीशन। डिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या हो गया है आपका, चेंज, ठीक है, डिफ्लेक्ट का मीनिंग क्या हो गया है आपका, चेंज, चेंज इन द पोजीशन।
सपोज करो यहाँ पर अगर नीडल है और जैसे ही यहाँ पर ये वायर है, इसमें से जैसे ही करंट पास हुआ तो इसकी पोजीशन क्या हो गई है आपकी, यहाँ से जाकर यहाँ पर हो गई या फिर यहाँ पर हो गई, इस तरीके से अपनी पोजीशन को है वो चेंज करता है। इट मीन्स नीडल शो अ डिफ्लेक्शन। ओके, अब ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूज़न निकाला गया, दैट जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोई ना कोई एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी शो करती है। ओके, क्या शो करती है, इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी शो करती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक कंपास आपका वो मैग्नेट से बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर उसकी नीडल में कुछ चेंज हो रहा है, इट मीन्स उस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो चेंज हुआ है। ओके, उस करंट की वजह से वो चेंज हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर हमें डायरेक्ट इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिला, दैट जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एक इफ़ेक्ट होता है जो कि मैग्नेट के ऊपर पड़ता है, उसी को हमने क्या बोला है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस वाले जो आपका नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने जो ऊपर ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किया है, ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। ठीक है, कब किया था ये, 1820 के अंदर। ठीक है, इसने सेम वे से यही किया था, ये सारा का सारा जो एक्सपेरिमेंट है जो हमने अभी अभी ऊपर किया था, ये इस पैराग्राफ के अंदर आपका एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, कि भाई किस तरीके से जो नीडल है कंपास की वो अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुई, अपनी पोजीशन उसने किस तरीके से चेंज की। ओके, यहाँ पर ये आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन दे रखा है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट जो हमें अब एक्चुअल में पढ़ना है इसके अंदर, वो क्या पढ़ना है, वो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइन। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या शो होगा कि जो आपके यहाँ पर मैग्नेट है उसका एक फील्ड होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ोगे। ओके, सबसे पहले तो आप सबको पता है दैट व्हाट इज मैग्नेट, कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, यस, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेट आपका क्या है, मैग्नेट इज़ अ सब्सटेंस विच विल अट्रैक्ट द आयरन सब्सटेंस और अदर आयरन लाइक सब्सटेंस। ओके, ये क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा किसको, आयरन को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, आयरन लाइक सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसे और भी सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर आयरन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, तो उन सब्सटेंस को भी जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी साइड उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपके पास, मैग्नेट। अब आपने छोटी क्लासेस में ये सब कुछ पढ़ रखा है दैट भाई जो मैग्नेट है आपकी वो डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है। फॉर एग्जांपल आजकल भी आप देखते होगे कि भाई हर्ट है वो कुछ इस तरीके की भी जो मैग्नेट है वो आपकी कुछ इस तरीके की भी आती है, जिसको हमने सिलेंडर शेप बोला है, या फिर हमारे पास कुछ इस तरीके की भी आती हैं, या फिर आजकल तो बहुत शेप की आती हैं, हर्ट यू शेप, जैसे आपने यू शेप की देख रखी है ना, ये वाली, जैसे आप वो एक गेम खेलते हो सबवे सर्फ वाला, उस वाले गेम में ऐसे ही होता है ना कि वहाँ पर एक इस टाइप की मैग्नेट आती है और वो सारे के सारे जो साइड में कॉइन्स लगे होते हैं उन सबको इस तरीके से अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है ना, तो सेम वे से जो आपके मैग्नेट्स होती हैं वो आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज़ की हो सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं आपकी जो कि हर एक मैग्नेट में, चाहे वो किसी भी शेप की हो, चाहे वो कहीं से भी हमने ली हो, उन सभी मैग्नेट्स के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज़। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दैट जो मैग्नेट होती है आपकी उसके अंदर वो हमेशा क्या करती है, नॉर्थ एंड साउथ पोल को डायरेक्ट करती है। ओके, मैग्नेट ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड नॉर्थ एंड साउथ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप की मैग्नेट है, ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, उसको एक ऐसे थ्रेड के साथ बांधा और इस तरीके से हैंग कर दिया, ठीक है, लटका दिया हमने, तो वो हमेशा क्या करेगी, या तो जो हमारे पास अर्थ का हमें पता है कि भाई नॉर्थ पोल किस साइड है, जो यानी कि ज्योग्राफिक पोल, एक तरीके से ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल कहाँ पर है और ज्योग्राफिक साउथ पोल कहाँ पर है, सेम वे से कोई भी आप मैग्नेट लोगे और इस तरीके से हैंग करोगे तो वो हमेशा क्या करती है आपकी, नॉर्थ और साउथ पोल की साइड जाकर ही रुकती है। ओके, इट मीन्स दैट अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेट ऑलवेज pointed toward north and south pole. Okay? जो हमारे पास अगर suppose करो आपकी भाई हमने इस तरीके से magnet ली
और मैग्नेट को यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दिया, तो अगर ये यहाँ पर रुकी है, ठीक है, सपोज़ करो हमारे पास, हमें पता है कि भाई ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन है और ये वाली आपकी यहाँ पर साउथ वाली डायरेक्शन है, तो हमने क्या देखा कि भाई ये वाली साइड है, तो हमें ऑलरेडी पता लग जाएगा कि भाई जो ये मैग्नेट है इसका यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और जो ये मैग्नेट है इसका यहाँ पर ये साउथ पोल होगा। ओके, पोल क्या हो गए, अब आपके हर एक मैग्नेट होती है उसके आपके टू पोल्स होते हैं, वन इज़ नॉर्थ एंड सेकेंड वन इज़ साउथ, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, फर्स्ट तो ये हो गई हमारे पास मैग्नेट की, देन सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, दैट कोई भी जो बार मैग्नेट होती है वो हमेशा क्या करती है, यहाँ पर जैसे हमने ये वाली ली नॉर्थ और साउथ, हाँ सपोज़ करो ये हमने दूसरी मैग्नेट ले ली, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, तो इसका हमेशा क्या होता है कि आपके जो सेम पोल होते हैं, ठीक है, सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ओके, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यस, ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मींस सपोज़ करो आप, अगर हमारे पास ये वाला साउथ है और ये वाला नॉर्थ, अगर हम इसको पास पास लेकर आएंगे तो क्या है, चुंबक एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ठीक है, जो मैग्नेट होंगे वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। बट अगर क्या हुआ, आपके पास सेम पोल हुए, यानी कि यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है, दूसरी वाली मैग्नेट ली हमने, इसके यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना, यानी कि ये अपोजिट फोर्स लगाएंगे कि ये इससे दूर भागेगा और ये वाला इससे दूर भागेगा। इस वजह से इसी को हमने क्या नाम दिया है, आपका अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ओके, यानी कि जो आपके अपोजिट पोल होंगे वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, सो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपकी क्या कहती हैं, हमेशा एक मैग्नेट की होती हैं। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ तक, ओके, यस। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर एक आपका ये इंटेक्स क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, यानी कि आपको सीधी सी क्या बतानी है कि भाई हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक यहाँ पर हमने कंपास रख लिया है और यहाँ पर क्या है आपका, ये कंपास है, ये यहाँ पर इसकी नीडल है और यहाँ पर हमने ये एक बार मैग्नेट रख लिया है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई जब मतलब या तो आप मैग्नेट को यहाँ पर ले आओ या फिर इस कंपास को यहाँ पर ले आओ, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के पास रखना है बस। तो क्या होगा कि जो मैग्नेट, जो आपके कंपास होगा उसकी जो नीडल होगी आपकी, वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो क्यों होती है, आपको इसका आंसर देना है। ओके, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर दोगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको देखो, जो ऊपर हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, इसको समझने के लिए मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करो कि सभी को एक बार तो लाइफ में किसी हनी बी ने बाइट किया होगा, काटा होगा ज़रूर। तो क्या हो जाती है, मान लो कि अगर हमारे हैंड का ये पोर्शन है, हाथ का ये पोर्शन है छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर हनी बी ने बिल्कुल यहाँ पर बाइट किया छोटा सा, तो अगले दिन तक स्वेलिंग इतने सारे एरिया में आ जाती है, ठीक है, यानी कि उसका इफ़ेक्ट, इस छोटी सी बाइट का इफ़ेक्ट इतने सारे एरिया में दिखा है। ओके, तो ये क्या है आपका, पूरा का पूरा फील्ड है, यानी कि जहाँ तक उसका इफ़ेक्ट शो हुआ है। सेम वे से हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखी और मैग्नेट के आसपास क्या कर दिया, हमने यहाँ तक सपोज़ करो कि इतने सारे एरिया के अंदर हमने क्या रख दिया है, बहुत सारे आयरन की छोटी छोटी फिलिंग्स रख दी है, ठीक है, आयरन का पाउडर लगा लो एक तरीके से, ठीक है, छोटा छोटा हमने वो रख दिया, तो कितने एरिया में इस मैग्नेट का, जो ये हमने मैग्नेट रखी है, इसका इफ़ेक्ट रहता है कितने एरिया तक, ठीक है। सपोज़ करो एक हमने यहाँ पर रख दिया है आयरन की छोटी सी पीस और एक आयरन का यहाँ पर पीस है, तो यहाँ तक वाले को तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो ये वाला पीस है इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। इट मीन्स क्या हो गया है, हमारे पास आयरन का जो ये मैग्नेट है इसका फील्ड सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड है। ओके, यानी कि मैग्नेट का इफ़ेक्ट सिर्फ यहीं तक है। तो इस टाइप का जो फील्ड होता है, जहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, उस मैग्नेट के इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। देन यहाँ पर आपकी जो एक एक्टिविटी दे रखी है, यस, इस वाली एक्टिविटी को देखो सबसे पहले आप। इस वाली एक्टिविटी के थ्रू आपको क्या समझाने की ट्राई की जा रही है, दैट जो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में आ गया, बट कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि देखो जैसे आपका ऊपर टॉपिक दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको समझ में आ गया है कि जहाँ तक आपके मैग्नेट का इफेक्ट शो होगा, दैट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हाट आर फील्ड लाइंस और व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को आप देखो एक बार। फर्स्ट में क्या दिखाया गया है, दैट फिक्स अ शीट पेपर, शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। आपने एक सिंपल सी शीट ली, ठीक है, डायरेक्ट ये सोच लो आपने कोई भी एक वाइट पेपर ले लिया, ठीक है, वाइट पेपर आपने इस तरीके से लिया, एक सेकंड, यस, सपोज करो कि आपने इस तरीके से एक कंप्लीट वाइट पेपर ले लिया है, ओके, वाइट पेपर के बिल्कुल सेंटर में आपने क्या रख दी है, एक मैग्नेट, ओके, ये मैग्नेट रखने के बाद अभी आपको क्या बोला गया था ऊपर, जैसे हम अपने सैलड के ऊपर नमक डालते हैं ना हर जगह पर, सेम वे से ऐसे ही हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंकल है, यानी कि एक जैसे हमारे पास डिब्बी होती है ना छोटी सी जिसमें से हम नमक डालते हैं अपने सैलड के ऊपर, सेम वे से यहाँ पर भी क्या है, हमने उसी टाइप की सेम हमने क्या लिया है, एक डिब्बी ली है जिसके अंदर हमने क्या डाला हुआ है, आयरन के कुछ पॉइंट्स डाले हुए, एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आयरन का पाउडर डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि आयरन है आपका वो एक बेस्ट मेटल है जो कि क्या है मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने इस तरीके से हर एक जगह पर इस तरीके से छोटा छोटा हर जगह पर क्या कर दिया है, अपना आयरन का जो पाउडर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओके। अब आयरन का पाउडर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थोड़े टाइम के बाद ही आप क्या देखते हो, दैट आप क्या करोगे, अब इस बोर्ड के ऊपर आपने क्या किया, सिर्फ जैसे एक हल्के से हाथ से क्या कर दिया, टैप कर दिया, सो दैट क्या हो जाए, वो पाउडर है जो सारा एक बार थोड़ा सा हिल जाए, वहाँ से हिलते ही क्या हो जाएगा आपका जो पाउडर है, जैसा आपका यहाँ पर राइट साइड देखो आपकी एक पिक दिखाई हुई है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर देखो इस तरीके से, एक सेकंड यहाँ पर एक बार आपको शो कर देती हूँ किस तरीके से शो होगा ये आपका, यस, देखो जैसे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बहुत सारी आपको इस तरीके से लाइन शो होंगी, ठीक है, यहाँ पर भी शो होंगी छोटी छोटी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स, और यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से आपके अपने आप को ये जो आपका पाउडर होगा ना ये अपने आप को अरेंज कर लेगा। अरेंज किस तरीके से करेगा कि आपका जो ये कंप्लीट शीट है और जो ये सेंटर में आपकी मैग्नेट थी, यहाँ पर आपको थोड़े से ज़्यादा पाउडर दिखाई देंगे, लेकिन जो बाकी सारा पाउडर है वो आपको कुछ इस तरीके से इस पैटर्न के अंदर शो होगा, कि भाई आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ इस तरीके से जो आपका ये आपने आयरन पाउडर डाला हुआ है इसने अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लिया है, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ है। तो यहाँ से अब इन जो ये लाइंस बनी हैं इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जहाँ तक भी ये फील्ड लाइंस बनेंगी वहीं तक क्या हो जाएगा, मैग्नेट का फील्ड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, उस मैग्नेट के इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं, ओके। सो ये जो आपकी लाइंस हैं यही क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, बट यहाँ पर देखो आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक तरीके से एनसीईआरटी ने पूछा हुआ है, क्या क्या पूछ रखा है इन्होंने, द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न शोइंग इन दिस, यानी कि जो हमारे पास जो ये ऊपर फिगर दिखाया हुआ है इस तरीके से अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज सच अ पैटर्न, यानी कि जो आपकी आयरन की फिलिंग्स हैं, देखो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप अंडरलाइन कर लोगे और इनके आंसर्स साथ साथ अपनी पेंसिल लोगे और यहाँ पर इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट डज दिस पैटर्न डेमोन्स्ट्रेट, जो ये पैटर्न बना है ये हमें क्या शो करता है, ओके। सो यहाँ पर देखो अब आपके साथ साथ इनके आंसर्स भी दे रखे हैं। सो फर्स्ट आपके पास क्या है, द मैग्नेट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, यानी कि जो हमने मैग्नेट रखा है उसके सराउंडिंग एरिया पर जो मैग्नेट है वो क्या है, अपना जो इफेक्ट है उसको शो करेगी, ओके। और जो यहाँ पर हमने ये मैग्नेट है, जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेट रखी है और यहाँ पर क्या डाल रखे, हमने आयरन की छोटे छोटे पार्टिकल्स डाल रखे हैं, सपोज करो यहाँ पर इस तरीके से डाल रखे हैं, ठीक है, तो ये आयरन के जो पीस हैं इनके ऊपर जो ये मैग्नेट होगी ये क्या लगाएगी, अपनी फोर्स लगाएगी कि तुम मेरे पास आओ, ठीक है, यानी कि ये अट्रैक्ट कर रही है इनको, तो एक तरीके से जो पार्टिकल्स होंगे इनके ऊपर फोर्स लगेगी और ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस टाइप का जो हमारे पास पैटर्न है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आपका आंसर दे रखा है यहाँ पर,
ठीक है, कि जो आयरन की फिलिंग्स हैं वो सेम पैटर्न क्यों बनाती हैं। सो आपका यहाँ से जो आपका ये वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका कहाँ तक हो गया है, यहाँ से आगे से, द मैग्नेट एग्जर्ट इन्फ्लुएंस इन द रीजन सराउंडिंग इट, देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस अ फोर्स, द फोर्स दस एग्जर्टेड मेक द आयरन फिलिंग्स टू अरेंज इन दिस पैटर्न। ओके, यहाँ तक आपको इसका आंसर हो गया है, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो और डायरेक्ट ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर अब आगे देखो, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन दी गई है। ओके, आप यही जब आप अपने नोट्स बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लोगे। ओके, उसके बाद फिर देखो आगे की लाइन को भी आप अंडरलाइन करोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, द लाइन्स अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन देमसेल्फ रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, ये आपकी क्या हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। आई होप कि आप सबको ये सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, क्या क्या डेफिनेशंस लिखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैग्नेट, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ओके, ये आपको कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, साथ साथ में जो मैग्नेट है आपको उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। ओके, सिर्फ आपको ये लिखना है और साथ में आपका एक इंटेक्स क्वेश्चन हुआ है। ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।